एक बहुत ही सही न्यूज़ निकल के आ रही है इंडिया रशिया रिलेशन से रिलेटेड, एंड दिस इज़ फ्रॉम SCO समिट 2022। रिसेंटली ये समिट हुआ था। ये समिट क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्यों है, इंडिया रशिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की क्या कहानी है, ऐसी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको जानने मिलेगी, सो पूरा देख लेना। पहले बात करते हैं SCO समिट की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 से ऑपरेशंस में है, एंड यहाँ पे कुछ अपने मेंबर्स है, ठीक है, मेंबर कंट्रीज है जो डिस्कस करते हैं रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को, देन फाइट अगेंस्ट रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो ये मेंबर्स कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये जो रिसेंटली हेल्ड समिट था वो कहाँ पे हुआ था? समराखंड में, उज्बेकिस्तान। तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज ने रखे, बहुत सारी चीज़ों को डिप्लोमेटिकली हैंडल किया गया। जैसे इंडिया का जो टेक है रशिया यूक्रेन वॉर पे, वो भी बहुत ही सॉलिडली डिप्लोमेटिक वे में आंसर किया गया था, वो एक बात है। बट ये SCO समिट क्या है आपको समझ गया, क्यों होता है और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन सी है? और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो इसमें है जो डायरेक्टली एक्टिव मेंबर्स नहीं है, तो वो कौन सी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये खुशखबरी क्या है वो समझते हैं। पुतिन ने अश्योर किया है कि फर्टिलाइज़र का सप्लाई वैसे ही रहेगा इंडिया को जैसे पहले हुआ करता था। देर विल बी नो प्रॉब्लम, नो ब्रेक। एंड ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अपना जो इम्पोर्ट है वो इतना ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, नॉट इम्प्रूव, इंक्रीज हुआ है कि मतलब क्या ही बोले। अप्रैल जुलाई 2021 में फर्टिलाइजर इंपोर्ट देखो 150.28 मिलियन डॉलर्स का, एंड इंक्रीज देखो कितना हुआ है 1.03 बिलियन US डॉलर्स, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, एंड दिस इज इनसेन। अगर इतना इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है एंड बीच में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर विल सफर, करेक्ट। एंड देन हम कितना रशियन फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट? 7.74 मिलियन टन्स, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ कोल इंपोर्ट की, तो ये भी इंक्रीज हुआ है 6 महीने में 4.83 मिलियन टन से लेके 9.35 मिलियन टन्स हुआ है, ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज है। इम्पोर्ट्स की बात करते हैं जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सिनेरियो है वो क्या रहा है, हमने 72% इम्पोर्ट्स बढ़ाए हैं रशिया से, और एक्सपोर्ट्स कितने से बढ़े हैं? 41% से। फिर भी ट्रेड डेफिशिएट है। ये ट्रेड डेफिशिएट क्या होता है, कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा वीडियो में। तो ट्रेड डेफिशिएट बेसिकली डिफरेंस होता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में। कोई भी कंट्री ये चाहती है कि अपने एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो और इम्पोर्ट्स कम हो, बट जब उल्टा होता है कि इम्पोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स कम है, तो उसे ट्रेड डेफिशिएट कहते हैं, ठीक है। तो अपने इंडिया का ट्रेड डिफिशिट क्या है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये थी पूरी न्यूज़, एंड पुतिन ने ओपनली क्रिटिसाइज भी किया यूरोपियन यूनियन को। भले ही EU अभी धीरे धीरे करके जो बैन है रशियन फर्टिलाइजर से वो निकाल रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स हैं EU के जहाँ पे फर्टिलाइजर्स का स्टॉक है, एंड वो बहुत सारे कंट्रीज को जा सकता है, एंड रशिया ने बहुत अच्छे ऑफर्स भी दिए हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ट्रेड में इंटरेस्टेड है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इन जनरल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे चीज़ें हिलती है। सो दिस वॉज एन एफर्ट टू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट, लेट मी नो वॉट कैन बी इम्प्रूव्ड। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको SCO समझ में आया होगा, एंड कुछ इंडिया रशिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।